हेलो दोस्तों, क्या आप इस टाइप का सब्सक्राइबर बेल आइकन एनिमेशन वाला लोगो बनाना चाहते हैं जो कि बहुत ही औसम है? आपके जितने व्यूज आएंगे उतने सब्सक्राइबर आने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो सबसे पहले आप इस वीडियो को बिना स्क्रिप्ट के देखो, और सबसे पहले आपको ओपन करना है पिक्सल लैब। ओपन करने के बाद आपको जो भी टेक्स्ट यहाँ दिख रहा है उसको सबसे पहले आपको क्या करना है, डिलीट कर देना है। डिलीट करने के बाद प्लस आइकन में क्लिक करके आप फ्रॉम गैलरी में जाना है, और आपको जो भी आपका लोगो है उसको सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद उसको आपको एक कॉर्नर में सर्कल दिख रहा है उसको क्लिक करके इसको राउंड शेप कर देना है। करने के बाद राइट क्लिक कर देना है। राइट क्लिक करने के बाद आपको आप यहाँ पर आ जाना है। यहाँ पर बैकग्राउंड को हम लोग क्या करना है, पीएनजी में कन्वर्ट कर देना है इस लोगो को। करने के बाद यहाँ पर आके आपको इसको अल्ट्रा करना है। डिफॉल्ट जो दिख रहा है ना, यहाँ पर डिफॉल्ट में क्लिक करना है आपको, और यहाँ पर से नीचे आके अल्ट्रा करके इसको ऊपर से सेव कर देना है। सेव टू गैलरी करने के बाद आपको सिंपल सा कुछ टाइम लेगा अच्छा से सेव होने में। उसके बाद आपको यहाँ से हट के सीधा अपने आ जाना है काइन मास्टर में। काइन मास्टर में आपको मिल जाएगा पीएनजी जो कि ये ग्रीन स्क्रीन। आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो, कुछ भी इसका नाम दे सकते हो इस प्रोजेक्ट का। उसके बाद मैं डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दूंगा, वहाँ से आप इस ग्रीन स्क्रीन वीडियो को डाउनलोड कर लेना। और साथ ही एक दो आपको बैकग्राउंड म्यूजिक मिल जाएगा जो कि बहुत ही औसम इस वीडियो में काम आने वाला है। तो मैं ये डाउनलोड कर लिया हूँ, ये दिखा रहा हूँ आपको, ये वाला ग्रीन स्क्रीन आपको डाउनलोड कर लेना है जो कि मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया हूँ, आप वहाँ से जाके डाउनलोड कर लेना। तो यहाँ पर आप टाइमिंग देख सकते हो, ये थोड़ा सा आप यहाँ पर आके 100 सेकंड का देख लेना। यहाँ पर पर्टिकुलर आके आपको अपना लोगो ले लेना है। तो यहाँ पर आपको लेयर पे क्लिक करना है, लेयर दिख रहा है, यहाँ पर आपको ठीक से क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है, सबसे पहले अपने फ्रॉम गैलरी में जाना है। मतलब गैलरी में जाने के बाद यहाँ पर आपको पिक्सल लैब से जो लोगो मिला था उसको ले लेना है। लोगो लेके यहाँ पर आपको कॉर्नर पर ला के फिट कर देना है। उसके बाद आपको मिडल में आके देखना है कि रेड कलर पूरा ढक चुका हो आपके लोगो से। ढकने के बाद आप पर्टिकुलर आपको थोड़ा सा पीछे आके यहाँ देखना है कि हाँ, जब तक पूरा एनिमेशन नीचे ना चलाए तब तक कि आपको लोगो को वहीं रखना है। तो यहाँ पर आके आपको इसको राइट क्लिक करना है और राइट वाले को हटा देना है। राइट वाले को पूरा हटाने के बाद इसका एनिमेशन, इनर एनिमेशन हम लोग का रहेगा स्केल अप टू स्केल रहेगा। तो ये जो कि बढ़ेगा इसका 0.3 कर देना है अपने को, और इसका अब देख सकते हो आप ऐसे आएगा पूरा एनिमेशन जो कि देखने में। अब यहाँ पर अपना नाम भी तो लिखना है ना, वरना कैसे समझेंगे कौन सा चैनल का है। तो यहाँ पर नाम लिख दूंगा मैं अपना, मुन्ना एडिटर। आप अपना जो भी चैनल, अपना टैग वैग सब लगा देना, कोई सा भी टैग का चैनल आपका हो। तो उसके बाद यहाँ पर से आपको फॉन्ट चॉइस कर लेना है। तो मैं यहाँ से फॉन्ट चॉइस कर लिया। तो ये पॉइंट लेने के बाद यहाँ पर से ये पूरा व्हाइट हो चुका है, तो इसको हम लोग कुछ दूसरा कलर देंगे, तो रेड कलर देंगे तो ज़्यादा मस्त दिखेगा। तो रेड कलर देने के बाद यहाँ पर हम लोग को बॉर्डर भी तो देना है, ग्रो भी करवाना है इसको, थोड़ा सा दिखे अच्छा, बेटर दिखे, तभी तो ये लोग इसको देखना पसंद करेंगे। तो यहाँ पर ये सारा चीज़ आप यहाँ से एडजस्ट कर लेना, थोड़ा बहुत देख सकते हो पूरे अच्छे तरीके से जैसा आपको फिट लगे। एडजस्ट करने के बाद आपको इसको में भी तो एनिमेशन के साथ साथ इसको भी तो कट करके हटाना पड़ेगा ना, तो इसका भी बैक साइड यहाँ पर आके इसको भी कट करके हम लोग को राइट साइड हटा देना। अब इसका आउटर एनिमेशन हम लोग को डालना पड़ेगा जो कि सडनली नीचे आए, डायरेक्ट गायब हो जाएगा तो मज़ा नहीं आएगा, नीचे आएगा तो और ज़्यादा बेटर लगेगा। तो ये नीचे से ऊपर जाएगा, तो अब ये हो जाएगा स्वीप अप, मतलब ऊपर चले जाने के लिए, तो बेटर। इसको भी 0.3 कर देना है आपको। करने के बाद आप खुद देख सकते हो कितना मस्त एनिमेशन बन चुका है। अब यहाँ पर हम लोग साउंड नहीं डालेंगे तो मज़ा कहाँ आएगा। ये क्लिक वाला साउंड मैं आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगा, वहाँ से आप एक क्लिक वाला साउंड डाउनलोड कर लेना। तो यहाँ से ये टाइप करके है ये, तो इसका मैं अट्रैक्ट कर दूंगा, ऑडियो को अट्रैक्ट करने के बाद वीडियो को डिलीट कर दिया। अब इसको मैं कट करके उस जगह फिट करूंगा जहाँ पर एक क्लिक हो रहा है, बेल आइकन को क्लिक करें और बाकी का हटा दूंगा। वहाँ पर क्लिक करने के बाद इसका डुप्लीकेट करके जहाँ सब्सक्राइबर बटन भी हो रहे हैं वहाँ पर भी इसको ला के फिट कर दूंगा। दोनों ही फिट हो चुका है आप देख सकते हो, जो कि बहुत ही औसम है। थोड़ा सा आगे पीछे करके फिट कर लेना, एडजस्ट कर लेना, देन आप देख सकते हो कैसे स्मूथली हो रहे हैं। तो वीडियो देख के आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पक्का मिलेंगे।